नाम मोहम्मद मुइज़ुद्दीन खान है, मैं एक पाइगा फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, यानी कि उनका एक डिसेंडेंट हूँ मैं, और मेरे साथ तमाम पूरे पाइगा के वारिस हैं, पूरे डिफरेंट नंबर 102, डिफरेंट 52, 58, 59, डिफरेंट 57, 56, पूरों के लीगल हेयर्स है 10, 29, 93। तो हमारे को दो दिन से ये मालूम पड़ा कि भोरा कम्युनिटी में हमारा लड़ाई चल रही है ग्रेवयार्ड के पास, तो हम लोग परेशान हो गए कि एक शख्स जो है वो हमारा कज़न ही है, मुकरमुद्दीन खान, उन्होंने ये क्लेम कर रहे हैं कि पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम पे, उनके वालिद के नाम पे है, जो कि गलत है। ये पूरी प्रॉपर्टी खुर्शी जा पाएगा बोल तो CS-14 इसमें 135 डिफेंडेंट है, उनके नाम पे है प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी की अब तक फाइनल डिग्री नहीं हुई ना अलाटमेंट हुआ, पूरे गलत मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में करके, खुद अपने TV के बयान है कि उन्हें कंप्रोमाइज़ करें उसमें, जो कि गलत है। आप बगैर आपको और इनू जो लीगल हेडशिप क्लेम कर रहे हैं, इनू CS-14 के रिकॉर्ड पे आना पहले। अहमदुद्दीन खान हमारे मामू छोना हमारे, उनका इंतकाल हाल में हो गया, उनके जितने भी वारिस है पहले लीगल है तो कम ऑन रिकॉर्ड बोल के CS-14 में एप्लीकेशन डालना, बगैर वो एप्लीकेशन डाल के मंडल का सर्टिफिकेट लेके पूरा गुमराह कर रहे हैं, पुलिस को गुमराह कर रहे हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को गुमराह कर रहे हैं, बहन का नाम भी नहीं डाले, सगी बहन है उनकी, एक उनकी वालदान है उनका नाम भी नहीं डाले, उन्होंने बड़ी जो बीवी है उनकी बेटी है उनका नाम भी नहीं डाले, खुद तीनों भाई एक वालदान बोल के नाम कर लिए, तो ये गलत तरीका है। हम पुलिस में आके आज यही कंप्लेंट करें कि भाई अगर उन्होंने वारिस है तो फिर हम कहाँ जाना, हमारा भी इसमें हक बनता। पहले तो हम ये CS-14 का मैटर डॉक्टर प्रसाद से हम लड़ लेते हुए आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक दो वक्त लड़े गोल्डस्टोन प्रसाद बोल के, 2018 में डिवीजन बेंच का ऑर्डर है, ये पूरे प्रॉपर्टीज़ दोहरा, वो अभी मैं पुलिस स्टेशन में देखे आया, ये जो प्रॉपर्टी का जिक्र भी किया गया है 2018 में डिवीजन बेंच का रिपोर्टेड जजमेंट है सुब्रमण्यम साहब का, फिर गोल्डस्टोन प्रसाद सुप्रीम कोर्ट को भी गया, सुप्रीम कोर्ट में भी फाइनल डिग्री नहीं है बोल के है, तो फिर ये आदमी किस बुनियाद के ऊपर ये प्रॉपर्टी क्लेम कर रहा, और भोरा कम्युनिटी सिर्फ 625 गज के ऊपर ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर पेपर के वाइज अगर आप देखे जाएंगे तो पूरा जो बंदलगुड़ा है पूरा खुर्शी जा पाएगा और मख्ता हमीदा आसमान जा पाएगा 125 सर्वे नंबर, और बंदलगुड़ा 6-37 पूरा बंदलगुड़ा पूरा खुर्शी जा पाएगा का मख्ता है। तो अगर ये अगर होना इसके ऊपर मीट्स एंड माउंट्स, पूरे खानदान में प्रॉपर्टी तकसीम होना, पूरे डिफेंडेंटों में तकसीम होना, जब वो प्रॉपर्टी इनको मिलती, इन्हों अकेले वारिस, इन्हों एक डिफेंडेंट है पूरे CS-14 में, CS-14 की प्रॉपर्टी मेरे को अलाटमेंट हो गया, मेरे को पोजीशन दे दिया, मेरे को करेक्टर इनको पोजीशन दे दिया, ये सब गलत बयान है। MRO के अंदर MRO कैसा उनको सर्टिफिकेट दिया, हमारे जो मामू थे मरोमू ने गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वो हिसाब से उन्होंने एक MRO सर्टिफिकेट निकाल लिए होंगे। MRO सर्टिफिकेट ये प्रॉपर्टीज क्लेम के लिए काम नहीं आता, इसके अंदर एक कॉम्पिटेंट सिटी सिविल कोर्ट की डिग्री होना, प्लस टू कमांड रिकॉर्ड एप्लीकेशन CS-14 में उन्होंने मूव करना, क्योंकि पूरे बड़े लोग हमारे चाचा है हिमायत नवाजन के बेटे फरीद नवाब, इन्हों डिफेंडेंट है ओरिजिनल, मेरे वालदान डिफेंडेंट है, डिफेंडेंटों को नहीं आया कि एक LR क्लेम करके पूरी प्रॉपर्टी क्लेम करके गलत बवाना, एक कम्युनल पूरा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे। एक तरीका रहता आप रिसीवर करने जाके आप वो करिए या कोर्ट में एप्लीकेशन डालिए, वो कम्युनिटी को भी पार्टी बनाइए, जब पोजीशन लीजिए, गुंडागर्दी चल रही पूरा ग्रेवयार्ड के पास, तो हमारे को भी अगर उनका हक है तो हमारा भी हक है, क्योंकि एक पार्टीशन सूट में एक आदमी नहीं क्लेम कर सकता, पूरे लोग साथ में मिलकर क्लेम करना पड़ता, अकेले मैं चुनाव हूँ मैं वारिस हूँ तो कैसा होना। आज का जो सुबह का जो वीडियो था उसमें खुद उनका बयान है कि मेरी प्रॉपर्टी है ये, मेरा मेरे को आती है, मेरे को अलाटमेंट हुआ, और उन्होंने ये बोल रहे हैं कि मैं कंप्रोमाइज़ कर लिया थर्ड पार्टी से, पैसे भी ले लिया बोल के तक बोल रहे हैं उन्होंने वीडियो में, ये एक प्रूफ है कि ये चीटिंग कर रहे हैं उन्होंने। लिहाजा हमारा ये इल्तजा है, हम तो असदुद्दीन अवैसी साहब से और अकबरुद्दीन साहब से गुजारिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एरिया उनके ही MLA कॉन्स्टिट्यूंसी में आता, सर प्लीज़ आप ज़रा ये चीज़ को ज़रा गौर फरमाइए, आप देखिए, आप हुआ तो आप चीज़ को अपनी कस्टडी में लीजिए, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आप इंस्ट्रक्ट करिए, कलेक्टर को उनको की कस्टडी में ले, लीगल डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ही ये प्रॉपर्टी का आप डिसीजन लीजिए। अब इसमें होम मिनिस्टर साहब को बुलाइए, कमिश्नर साहब को बुलाइए, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, यहाँ पे जो मुकामी जो है हम उनको उनके पास जाके हमारा दारुसलाम में हम जाके हमारा मुतालबा रखना, क्योंकि उनको जितना मालूम है शायद ही किसी को नहीं मालूम है, आप जाके इनको बोलो उनको बोलो, ये सब बेकार बातें हैं। प्रॉपर्टी के जो असल ओनर है जो मौजूद एजाज बिल के जी, उन्होंने अभी तक विजिट क्यों नहीं करें यहाँ पर? मौजूद एजाज कौन है? ये प्रॉपर्टी के ओनर है जी। देखिए ये CS-14 की डिग्री है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ओरिजिनल डिग्री है, किसी के पास भी नहीं है ये डिग्री। में धरा भरीचा बहरा ओपन लैंड प्लॉट, ये डिग्री में खुद लिखा हुआ है, और ये बंदलगुड़े का प्लान भी मैं अभी पुलिस स्टेशन में सबमिट करके आया, वो प्लान लिया गया हमारे से, हम लोग वो प्लान दिए हमारे से आके, मेरे भाई प्लान निकाले, ओरिजिनल प्लान निकालो, हमारे नाम पे निकला हुआ है प्लान, हमारे नाम आए उसमें, हम अप्लाई करके सर्टिफाई कॉपी हम निकाले,
वो प्लान को लेके जाके क्लेम कर रहे हैं प्रॉपर्टी आप। हाँ प्लान दीजिए जरा।